हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ दीदी के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि आज रात मतलब 12 बजे मेरी दीदी का बर्थडे है, मतलब कल है उसका बर्थडे। तो मैं उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जा रही हूँ। तो अब बस मैंने ऑर्डर बुक किया है, आने वाला होगा, फिर मैं निकलती हूँ। बाय, सी यू देयर। इस बार मैं इतना बड़ा सा ट्रॉली लेके जा रही हूँ 3 दिन के लिए, लेकिन इतना बड़ा ट्रॉली लेकर, क्योंकि गिफ्ट्स ये सब भी है ना, तो छोटे वाले बैग में आ नहीं रहा था और मेरे पास फिर यही साइज़ का बैग था, इसलिए इसमें लेकर जा रही हूँ। तो जब तक मैं ट्रैवल कर रही हूँ तब तक आप मेरे गिफ्ट्स देखो जो मैंने दीदी और जीजू के लिए लिया है। जीजू का बर्थडे भी कुछ दिनों पहले ही था और मैं उनके बर्थडे में नहीं आ पाई थी क्योंकि वो लोग गो करने गए थे, तो मैं दीदी के बर्थडे के गिफ्ट के साथ साथ उनका भी गिफ्ट ले आई थी। तो चलिए गिफ्ट्स को पैक करते हैं, देखना मैंने कितने अच्छे से पैक किया था। मेरी दीदी को ये सब चीज़ बहुत पसंद है, अच्छे से गिफ्ट्स रैप करके सुंदर से सजा करके देना, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं वैसे ही करूँ। तो मैंने एक ये ड्रेस लिया था दीदी के लिए, मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। अगर आपको इसमें से किसी भी ड्रेस की लिंक चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। और सेकंड मैंने ये ड्रेस दिया था, ये वाला ड्रेस दीदी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, ये उसने अपने बर्थडे ईव में भी पहना था। और प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, थोड़ा सा गला ख़राब हो रखा है इसलिए। और हाँ, मैंने जितने भी ड्रेस दिखाया ये सारे ड्रेसेस मैंने मिंत्रा से ही ऑर्डर किया था। ये मैंने जीजू के लिए ऑर्डर किया था, ये टी शर्ट ये भी मिंत्रा का है, और ये ब्लेजर भी मैंने उनके लिए मिंत्रा से ही ऑर्डर किया था। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये गिफ्ट्स मुझे ज़रूर बताना। जीजू और दीदी को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, ये आप आगे जाकर देख लेना। और इसमें जो भी प्राइस लिखा है इतने में मुझे मिला नहीं था, मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिला है बाय द वे। और देखो मैंने कितने अच्छे से ये सारे गिफ्ट्स रैप मैं अपनी फ्रेंड से मंगवाई थी, क्योंकि मेरे एरिया में मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने बोला मुझे अच्छा से अच्छा गिफ्ट रैप ढूंढ कर ला कर दे सकती हो तो दे दो, क्योंकि मेरी दीदी को ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने एक एक करके सारे गिफ्ट्स को पैक कर लिए थे। पता है बहुत मेहनत लगता है, दिखने में आसान लगता है कि अच्छा हाँ चलो ऐसे रैप कर देना है, बट बहुत मेहनत लगा था, मेरी कमर टूट गई थी उसके बाद देखो रास्ते में मुझे दीदी मिल गई थी। दीदी ऑफिस से लौट कर आ रही थी और तभी मैं उस रास्ते से जा रही थी, तो दीदी ने मुझे पिक कर लिया, फिर हम लोग साथ में घर आ गए। चलो हो गया बात, पता है मेरा फ्राइडे को भी छुट्टी है। घर पहुंची तो देखा तो वहां पर तो बर्थडे की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी, ये पूरा डेकोरेट करने वाले भैया लोग आ रखे थे, पूरा डेकोरेट कर रहे थे। इधर देखो जीजू कैसे गिफ्ट्स रैप कर रहे हैं, दीदी के सामने ही रैप कर रहे थे। बेचारे की तबीयत ख़राब थी फिर भी अच्छे से गिफ्ट्स रैप करने में लगे हुए थे, सारा गिफ्ट्स अकेले खुद रैप किया था इन्होंने। ये देखो ये सारे गिफ्ट्स चीज़ों ने दिए थे। उसके बाद फिर मैं और दीदी निकल गए सैलों के लिए, बर्थडे गर्ल की पैम्परिंग होनी बाकी थी, तो बस फिर हम लोग निकल गए। दीदी को हेयर कट ये सब करवाना था तो उसने वो करवाया, मैं तो बस कंपनी देने गई थी। और ज़ूम करती हूँ आउटकम्स या इनकम्स। बर्थडे गर्ल्स पैम्परिंग्स आई लेकिन फोन लग गया जाएगा।
और फाइनली दीदी का हेयर कट हो गया। कैसा लगा आप लोगों को इसका हेयर कट मुझे ज़रूर बताना। ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, आप देख ही सकते हो। फिर हम निकल गए थे, फिर रास्ते में हमने अपोलो फार्मेसी से कुछ मेडिसिन पिकअप किया। उसके बाद फिर फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। और ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन। ये जो बालकनी का डेकोरेशन है ये तो दीदी ने खुद से किया था, और ये जो बर्थडे वाला है ये तो करवाया गया था। अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर बताना कितना कॉस्ट लगा, कहाँ से करवाया था, वो सब कुछ मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। और ये रहा हमारा बर्थडे नाइट एज इन बर्थडे ब्रिंग इन का स्टार्टर्स। कुक ने बनाया था सब कुछ, हमने नहीं बनाया था, सब कुछ ही कुक ने बनाया था। ये स्प्रिंग रोल, चिकन स्टार्टर्स, सब कुछ। ये जो स्प्रिंग रोल बनाया था ना, ये वो जो शीट नहीं आता रेडीमेड शीट, उससे बनाया था, तो उससे ईजी भी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा यमी भी बना था। हाँ, जब हम लोग खाने वाले थे तब तक सॉगी हो गया था, बट स्टिल यमी था। और ये देखो मैंने गिफ्ट्स कैसे नीचे सजाया था, सुंदर लग रहा है ना। और ये रही बर्थडे गर्ल के लिए एक्सेसरीज, ये सब कुछ ही जीजू ने अरेंज किया था, सब अपने पसंद से। और ये रही हमारी जो कि फ्रेम में आने पा रही है, आ गई फाइनली। और फिर हम सब रेडी हो गए थे बर्थडे ब्रिंग इन के लिए। ये हमारे भैया हैं, कज़न, आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, मैंने पहले भी इनके साथ व्लॉग डाला था। और फिर हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी, एक एक करके सब ने फ़ोटोज़ क्लिक करी, और धीरे धीरे गेस्ट्स आने लग गए थे। और ये देखो ये जो ब्यूटीफुल सा हैम्पर है ये भी जीजू ने दिया था, वो जितना ज़्यादा दीदी को स्पेशल फील करवा सकते हैं वो उतना करवाते रहते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं। और दीदी भाव खाती रहती है फिर भी। और ये रहे गेस्ट, आने शुरू हो गए थे तो हमने गेस्ट को ड्रिंक सर्व किया, स्टार्टर्स सर्व किया। किचन का ड्यूटी मेरा था, मतलब एज इन मैं और भाभी दोनों मिलकर कर रहे थे, ये मेरी भाभी है। फिर गेस्ट आए चले गए, हम सब ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी। ये रहा हमारा स्टार्टर्स, देखो स्प्रिंग रोल मैंने बोला था ना सॉगी हो गया था, बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा यमी था। तुम क्यों हील्स पहनी? ये रहा ब्यूटीफुल सा केक। ये केक देखकर दीदी इतना जीजू को सुना रही थी, क्या बच्चों वाला केक ले आया, वो बेचारे प्रिंसेस वाला केक ऑर्डर किया था उन्होंने, तो उन्हें क्या पता था बच्चे जैसे लगेगा। कितना क्यूट सा था ये केक, और ये लड़की भाव खा रही थी कि नहीं ये बच्चों वाला केक है ये वो, कितना क्यूट है ये केक। पार्टी वाइब्स दे रहा है। मुझे सारे क्लिप्स म्यूट करने पड़ रहे हैं क्योंकि गाना बज रहा था पीछे, अगर डालूंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। फोटो खींचो, फोटो नहीं, अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है। Congratulations and celebration. नाइफ ही नहीं है, बटर नाइफ चलेगा। मेरे ब्लॉग पे आ रही हो, नाइफ नहीं दिया, नहीं नाइफ दिया था, कहाँ गया? अरे उसके वो कवर में था। Happy birthday to you. कैसे आदमी हो मैं, तेरा दिमाग चला लो थोड़ा। ये क्या कर रही है मुझे? अरे अरे नाटक नहीं, अरे तुम बोले कैरेक्टर के उसमें गए थे पर्सपेक्टिव में। कोई फोटो ले लो इन लोगों का, कोई ले लो। अरे पास की गाड़ी होने का, वीडियो में फोटो ले। एक मिनट एक मिनट, अरे रुक जा। अच्छा अच्छा दिया, इधर देख लो, इधर देखो, इधर देखो।
बताइए अरे अरे ओके नाइस अच्छे कैमरा मैन अरे हमला हुआ है मेरे ऊपर इधर देखिएगा फिर मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपनी आउटफिट दिखा दूं तो आपको कैसे लगे ये मेरा ये आउटफिट मुझे जरूर बताना फिर एक एक करके सारे गेस्ट चले गए उसके बाद नाउ इट्स टाइम टू डू गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग Nice. कितना ओवरएक्टिंग कर रही है। मेरा ये पसंद। ये पसंद सेंट्रल मॉल में जाकर खेल लिया होगा। ये रैपर सबको साइड कर दीजो इधर। वाओ। ये क्या है? तो ये H&M का। नाइस। ये तुम ऑफिस में पहन के जा सकती हो थोड़ा फॉर्मल वाला लुक देगा। Nice. कितना सारा गिफ्ट है और ये भी सारा का एड्रेस देखो यही ड्रेस कल पहनने का पूरे दिन में हाँ ये अच्छा लगेगा ब्रंच के लिए ये बेस्ट है ये भी सारा का है वहाँ के ओरियन मॉल वाले सारा में ज्यादा कलेक्शन है पता है हाँ फिनिक्स मॉल में नहीं कलेक्शन तो और बहुत यूनिक और अच्छा है हाँ हाँ तो सब पसंद आ रहा है ये भी मेरा सारा का है ये क्या है स्कर्ट स्कॉट्स ये भी क्यूट है स्कॉट्स का मतलब जो शॉर्ट्स और स्कर्ट का जो भी ये सबको मिक्सचर कंबाइन करके मुझे लगा तो ये टॉन्ट मार रहा है एक्सेंट पे देख मतलब दोनों खराब हो जाएगा मेरे तो अच्छा ये नहीं बैलून के बगैर गंदा नहीं होगा देखो ये मेरा रेड कलर का सारा का देखो और पिंक और वाइट था ना रेड भी आ गया नाइस ये रेड अच्छा लग रहा है ये पूरा छोटे बच्चे गिफ्ट्स नहीं वो गिफ्ट रैप नहीं देखा तूने वो कितना सुंदर है वो मेरे सामने रैप कर रहे थे ये वाला मेरे सामने ये देखो मेरा क्यूट सा टॉप ये हाँ ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है कभी यूज करती भी हो अभी तो मिला है आगे यूज नहीं है देखो मेरा ग्रीन कलर का आल्डो का बैग ये बहुत सुंदर है ये वाला यूनिक डिजाइन बस हो गया नेक्स्ट गिफ्ट वो तो हटा दे तब फिर अपना खोल ले तेरे तेरे ऑलरेडी है दो बॉक्सेस वाले और अच्छा
कैसा लगा? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ये मेरा चॉइस है। भाभी केक का उसने जा रहा है, ये आपका फर्श पे केक लगा है। देखो नाइस, बस हो गया, आप खोल भी दो। अरे ये पर्पल ड्रेस कौन सी के लिए लिया था? अच्छा जो ली नहीं पर्पल। हाँ ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ ये बहुत ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ये देखना नहीं, ये कलर नहीं है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे को चार्ल्स एंड कीथ वाले के साथ बहुत अच्छा जाएगा। और नहीं वो जो लाइन से रहता है ये वो पीछे पीछे पुश हो रहा है। गिर गया। कितना सारे इयररिंग्स हैं? सारे सेम कलर के हैं ये, रोज गोल्ड। इसमें तुम्हारे लिए भी कुछ ली थी ना, भूल गया वक्त लेके। डबल ट्रिपल ये मैंने किया। इतना लेट आप क्यों करते हो? छोटा सा था वो, हो गया। उसे बड़ा करते कितने फेरो रोशे हो गया। और ये हैम्पर, ओ हां ये भी तो गिफ्ट किया था। इसे हैम्पर में कहते हैं निकालेंगे। हाँ दिखाओ ना क्या क्या है इसमें। चॉकलेट कप निकाल अपना। हैम्पर में फ्लावर्स जो कि आधे मुरझा गए, पूरा मुरझा गया। ये देखो चॉकलेट्स, देखो ये है क्यूट सा मग। ये मग अच्छी है, आ जाएगा। ये ट्रे भी अच्छा वाला है, पता है? देखो ना, देखो ना ये ट्रे अच्छा आ गया इसका। चॉकलेट से ये देखो, चॉकलेट्स लग रहे हैं ये। हां ये क्या है? चॉकलेट कुल कितने क्यूट लग रहे हैं। ये अब तक का बेस्ट बर्थडे है ना तुम्हारा। हम तुरंत कैसे बच्चे लग रहे हैं? चार रना डिवोर्स हो जाए। नहीं डेकोरेट हुआ था तुम्हारे बर्थडे में? ओ नजर क्या? काजू कैशू समझ आता है। क्या है तो नहीं होता। अच्छा चॉकलेट्स इसमें भी आई थिंक कोई दूसरा ड्राई फ्रूट होगा। हाँ आलमंड्स देखा, हेल्दी हार्ट टी है क्या? क्या टी मेरे लिए? वेट लॉस हिबिस्कस ब्लू पी कैमल ब्लू पी हो गया डन फॉर द डे। उसमें मेकअप ब्रश ये सब कुछ रख सकती हो। You are right. Right you are. I am always right. कार्ड है वो शायद। हाँ चकल के क्या है?
कार्ड है कार्ड फिर एक देख लिया ना मेरा इंस्टाग्राम था हमेशा आता था और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आता था तुम जो भी सर्च करती थी तुम्हारा वो ग्रीन वाला जो एल्डो का जो बैग लियो ये वाला ये भी आ गया था कितना गिफ्ट चाहिए इतना ही संभाल लो भाई बहुत सोचा किसी और ने भेजे हैं ये सब इसके अंदर का टी शर्ट भी है नेक्स्ट वाले मीडियम साइज ही हो हाँ साइज भी पता था आपका कैसा लगा अच्छा जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है क्या क्योंकि आप हमेशा ब्लैक ब्लैक ही पहनते रहते हैं तो इसलिए ये कलर आयुष जब देखा ना तो उसको भी ये मतलब उसके दिमाग में तुरंत में आ गया कि इन पर अच्छा लगेगा ये वाला इसी के अंदर पहनने वाला वो टी शर्ट है जैसे सेट में दिखाया था ना उसमें वैसे ही उसे वे गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग के बाद हम सब काफी ज्यादा थक गए थे तो फिर हम लोग सोने चले गए थे गुड मॉर्निंग गाइज और ये देखिए सामने मेरी बर्थडे गर्ल ये आकर सुबह सुबह मुझे उठा दी थी कि उठो लंच और डिनर की तैयारी करनी है हम लोगों का प्लान था ब्रंच और डिनर भी बाहर करने का तो फिर ब्रेकफास्ट हमने सुबह घर पे किया था कुक बना कर गया था ये पोहा और देखो सुबह सुबह आ गए थे ये डेकोरेशन निकालने के लिए इतना दुख हो रहा था ना देखकर ऐसा लग रहा था बस ये लगा रहे ये रही बर्थडे गर्ल अपना न्यू बैग शो ऑफ करते हुए इसके लिए बैग जीजू ने बहुत पहले ही दिलाया था लेकिन इसने सोच रखा था ये अपने बर्थडे वाले दिन ये बैग यूज़ करेगी तो ये वही अपना बैग देखकर खुश हो रही है शॉर्ट वाला ही ज़्यादा अच्छा लगा देखो Okay guys, that was it for today's vlog. I hope you like this birthday break-in vlog. See you next in the birthday, brunch and dinner vlogs. Until then, please do like, share, comment and subscribe to my channel. And guys, as usual, I've attached few pictures of the day at the end. So do check it out. Thank you for watching. Bye-bye. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward.